आप रोने लग गए यार। अच्छा वाकई इतनी मोहब्बत करते हो इमरान खान से? वाह जी वाह, इतना प्यार है आपको इमरान खान से जी। कर ही नहीं सकते, इन्होंने अपनी जेबें भरनी है। इम्पोर्टेड है हुकूमत। हाँ मशहूर इमरान खान। क्या आपको पता है इमरान खान की कॉल पे निकले जो शहरी हैं उनमें नौजवानों की तादाद तो अपनी जगह, लेकिन बड़ों की तादाद के साथ साथ ख्वातीन की भी तादाद ने भी शिरकत की है यहाँ पे हमारे साथ। देखो शहरी, हाँ भाई आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान एक वाहिद ऐसा लीडर है जिसके साथ अवाम जो जीते जी है। पक्की गल है, जीते जी है जी। बाकी लोगों सब मरने के बाद है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लें, सद्दाम हुसैन देख लें, वो ये वाहिद लीडर जिसके साथ जीते जी है। और ये अवाम का ये आदत है कि अवाम जो है मरने के बाद जो है ना उसके पीछे भागती है, उसको याद करती है। ये भाई तेनू गोली बज गई इमरान खान के पीछे खा लेगा आज मारे? मैं तो नहीं मारनी, एक मसाले बज जावे तो फिर सर मारे, गोली मारे हमें, क्यों नहीं मारे? आज इमरान खान, इमरान खान उसको इख्तदार नहीं चाहिए, इन लोगों को उसका इख्तदार चाहिए। ये जो यहाँ पे आए ना, इनको इख्तदार चाहिए, उसको नहीं चाहिए। क्या बात की है? इमरान खान तो खुद एक बादशाह है, उसको किस इख्तदार की जरूरत है? क्या देंगे आप, क्या दिखाएंगे? क्या नहीं देखा उसने? उसने क्या नहीं देखा? कोई एक शह तो दिखाओ। ये वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम की इतनी औकात नहीं है कि वो इमरान खान के न्यूट्रल होने का मुकाबला कर ले। वजीर आजम तो बहुत दूर की बात है। इनको पता जाता ना, हमारी कौम को उठना चाहिए और जागना चाहिए ना, जागना चाहिए, वरना सारी जिंदगी इनकी नस्लें भी गुलाम रहेंगी ना, आगे आने वाली सारी नस्लें हमारी गुलाम रहेंगी, ये याद रखना। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ और भी साफी मौजूद है और साफी भी इमरान खान के हक में निकले हुए हैं। अच्छा मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि इमरान खान जो कर रहे हैं आवाम के लिए, क्या ये करने में कामयाब होगा? इमरान खान, पहले तो बात ये है कि इमरान खान, हम लोग यहाँ पे इमरान खान के लिए नहीं आए, बल्कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं वो हम आवाम के लिए कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। आज वक्त है कि पाकिस्तानियों को जागना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर वो कुछ करेंगे तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करेंगे। जो जाग गया, बाशऊर इंसान ही हमेशा जागता है, जिनके ज़मीर सो रहे हैं, जो खुद सो रहे हैं, वो आज़ादी के लिए भी नहीं कुछ करेंगे, वो नसर दर नसर गुलाम ही रहेंगे, गुलाम हैं, गुलाम थे और गुलाम ही रहेंगे। गुड़िया आप ये बताएं कि माशाल्लाह यहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आई हैं, पूरे जज्बे के साथ आई हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इमरान खान के इस जलसे से महंगाई कम कर सकेगी? ये इनको करनी पड़ेगी, वरना इमरान खान की कॉल पे हम तैयार हैं, जब वो मुल्क बंद करेगा हम उसके साथ हैं। ये लोग नहीं महंगाई कम कर ही नहीं सकते, इन्होंने अपनी जेबें भरनी है ये चोरों ने। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ और भी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि वाकई इमरान खान की जो है ना आप इन फ्यूचर हुकूमत चाहती हैं। तुसी की कीता है? ये इसलिए किया, इन्होंने हमारे इमरान खान को फितना कहा था। फितना तो ये है ना, जिन्होंने हुकूमत गिरा के फितना करके तो इमरान खान को गिराया। अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, सारा सिस्टम वो अच्छा चला रहा था, इन्होंने आके तबाह बर्बाद पाकिस्तान को कर दिया। ये कहते थे इमरान खान को तरीका नहीं है चलाने को, हकीकत भी नहीं था तरीका, इनको तरीका है लूटने का, उसको लूटने का तरीका नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान अगर इन फ्यूचर वजीर आजम नहीं बनता, आपका क्या रद्द अमल होगा? बड़ा अफसोस होगा, हम लोग तो इमरान खान को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। उसी पहले ही क्यों नहीं अफसोस कर रहे? शुरू से अफसोस करें जब से वो गए। क्यों जी अंकल जी, आप समझते हैं अगर उसके खिलाफ साजिश हो सकती है तो अगली हुकूमत में भी नहीं आएगा? तो साजिश कामयाब हो सकती है तो वो इलेक्शन में हार क्यों नहीं सकता? जीत और हार अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और इसमें जितनी भी धांधली कर लेंगे लेकिन अगर आवाम की एक मजमू तौर पर ज़्यादा तादाद उसको सपोर्ट करेगी, वोट करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हुकूमत से बाहर किया जाए। ठीक है कुछ हल्कों में उसके साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर एक आवाम ने भरपूर अंदाज में इलेक्शन में शिरकत की तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कुव्वत उसको वज़ीर आज़म बनने से रोक सकती है इमरान खान को। बेटा आप ये बताइए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान ये कंट्रोल कर लेगा? हाँ हमारी कोशिश ये है कि हमने इमरान खान को सपोर्ट करना है। नहीं, कोशिश किस लिए कर रहे हैं? इसी तरह से कि तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। जो वो 3.5 साल तब्दीली लेके आए उसमें भी तो लोगों की चीखें निकली हैं ना, बाकी उसे तो बेहतर है। जी नाज़रीन ये देखें, व्हील चेयर पे एक खातून, इनके जज्बे को सलाम है। माँ जी आपको सलाम हो।
माशाल्लाह ये इतनी मजदूरी के आलम में आप यहाँ पहुँची हैं। हाँ जी, बस इमरान खान के लिए, इमरान खान बुलाएंगे हमें, बल्कि उनकी ज़रूरत है, इस वजह से हम आते हैं। टाइम आप अपने बाबा को क्यों नहीं कहती कि तहरीक इंसाफ छोड़ो? छोड़ो, अब तो टाइम है कि तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो। इमरान खान को सपोर्ट करने हैं, क्या कहेंगे? ये खान साहब की कॉल पे आए हैं ये महंगाई का एहतजाज करने, लोग बहुत तंग आए हुए हैं ये महंगाई से। ये पहले तो बहुत बहुत बातें करते थे, जब ये खुद हुकूमत में आए हैं तो महंगाई की कोई हद ही नहीं, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है कुछ गरीब लोगों के लिए। नाज़रीन, लोगों का जज्बा देख के ये लग रहा है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं, इलेक्शनों से पहले ही आ जाए, और इतनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत का आलम, खवातीन का जज्बाती मोहब्बत, वो देख के ये वाकई लग रहा है कि ये लोग जो है ना इमरान खान के लिए दिलो जान से निकले हुए हैं।